आज 13 सितंबर 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना। कौन हो आप? दुनिया की सब आत्माओं को सेल्वेज करना है। सब कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। कर्मों का जो बंधन होता है ये दुख देता है, अशांति फैलाता है। तुम कौन हो? राहत देने वाले। सेल्वेशन आर्मी हमारा कब बनी थी? ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, उसके बाद जब बहुत भूकंप आए थे, कितने लोग दब गए थे, तो आर्मी तैयार की गई थी ताकि उनको वहाँ से सेल्वेज किया जाए, निकाला जाए। तब से आर्मी है। बाबा के तुम तो रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो। दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि कर्मों का बंधन है। तुमने सबको कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने पर दूसरों को छुटकारा दिलाते थे, खुद ना फंस जाना कर्म बंधन में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। खाली शक्तिशाली बना, बहुत बहुत शक्तिशाली बनाना है अपने आप को। कैसे, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। क्या करना है? डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। और डिटैच शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली लोग दुनिया में कैसे करते हैं डिटैच को? डिटैच हो जाओ, मुझे दो लोगों से कुछ नहीं लेना। डिटैच हो जाओ, क्या लेना मैंने किसी से? अपना अलग रहो, एकांत में रहो, डिटैच हो जाओ। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये तो किनारा करना है। बाबा ने हमेशा कहा, किसी का किनारा नहीं करना, किनारे जगह सहारा बनना है। तो डिटैचमेंट क्या है? डिटैच की अपोजिट वर्ड होता है अटैच। हमने अटैच कहीं नहीं रहना है, क्योंकि अटैचमेंट दुख देती है, डिटैचमेंट सुख देती है। अटैच किसे कहते हैं? मोह, मोह में फंसना। डिटैचमेंट क्या है? निर्मोही बनना, मोह ना हो। तो डिटैचमेंट के साथ, हम डिटैच हैं कि नहीं हैं, तो डिटैचमेंट के साथ एक शब्द जोड़ना हमेशा। बाबा जब भी मुरली सुनोगे हमेशा कहता है डिटैचमेंट के साथ लविंग, जिसे वो हिंदी में कहते हैं न्यारा और प्यारा। बाबा कभी नहीं कहते न्यारा बन जाओ, न्यारे के साथ साथ प्यारा बनना है। न्यारा दुनिया से नहीं बनना, लोगों से न्यारा नहीं बनना, इस शरीर से न्यारा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिसने कुछ बोला शरीर को देख के लगा, डिटैच हो जाओ। और जब न्यारा हो शरीर से, बॉडी कॉन्शियस से बाहर आ जाओ, अब सबका प्यारा बनोगे ही बनोगे। अब सबका प्यारा बनना है, तो पहले प्यारा बनना है कि न्यारा बनना है, ये देख लो क्या बनना है पहले। तो पहले न्यारा बनना है, डिटैच हो जाओ शरीर से, अब प्यारा बनना है। अगर पहले प्यारा बन जाओगे तो फंस जाओगे। पहले न्यारा बन करके फिर प्यारा बनोगे, ये बाबा कहते हैं साक्षी होके देखो खेल को। इसलिए डिटैचमेंट शब्द बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, समझना। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, ये तो डिटैच हो जाओ। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या बोली, तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात फौजी को भी क्या होता है? अटेंशन, सावधान,
कोई थॉट नहीं चलाना, कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। लैस होने कहेंगे विश्राम, फिर लैस हो जाओ। जैसे बाबा भी हमें कहते हैं अटेंशन प्लीज, सावधान, अर्थात एक बाप की याद में रहो और अशरीरी हो जाओ, इस शरीर से डिटैच हो जाओ, मेरे पास आके अटैच हो जाओ। इसका बार बार अभ्यास करने पड़ेगा, अटेंशन, बार बार अटेंशन और अभ्यास का सारा खेल है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, यानी सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है और अपना भी कल्याण करना है। दूसरा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है शरीर से डिटैच होने का। जितना शरीर से डिटैच हो जाएंगे ना आप, अगर नहीं सोए थोड़ी देर डिटैच हो जाओ, आपकी नींद पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा घंटे ना सो, किसी को 10 घंटे सोने से भी नींद पूरी नहीं होती, 8 घंटे सोने से भी नहीं होती, 6 घंटे सोने से भी नहीं होती, है ना। और किसी को 2-3 घंटे में नींद पूरी होती है। कैसे होती है? जितना जितना मेडिटेशन का अभ्यास करोगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे, उतना उतना आपकी नींद पूरी होती जाएगी और रिलैक्स हो जाओगे आप बिल्कुल। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लास्ट में बाबा ने कहा ना, सोने का टाइम नहीं मिलेगा, उस समय क्या करोगे, 5 मिनट अशरीरी होकर रहो, पूरी नींद पूरी हो जाएगी। ये अभ्यास करना भी से। और याद में आंखें खोल कर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना। याद क्या करना है? परमधाम पहुंचो फिर सत्युग में आ गए, ये चक्कर लगाना सिर्फ, और कुछ याद भी करना। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध, शुद्ध कैसे, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। कौन है हम? संपूर्ण पवित्र। कैसे बने? जब अपने ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप अपने संकल्पों को शुद्ध बनाया, ठीक है ना, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने विस्तार समझाया, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में, आधार में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो आम बात है, कॉमन बात है बाबा के बच्चों के लिए। सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाओ, हम तो विकारों में जाते नहीं हैं। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। किसको? दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, ठीक है ना। संकल्प भी देखो, दृष्टि भी देखो, वृत्ति भी देखो, स्मृति भी देखो, कैसी रहती है। ये है हमारी पूरी पवित्रता, ठीक है। दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो और साथ साथ अपने संकल्पों को, थॉट पावर, संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। एक एक वैल्यूज के बेस पे बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, कर्म तो ठीक कर रहे बच्चे, थॉट खराब है अभी भी। अभी क्या बाबा कहते हैं, संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। एक तो दिल में रहम आना चाहिए, आज हमने कहा दृष्टि में रहम होना चाहिए सबके प्रति। जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो हमारी दुनिया भी बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। इसे दृष्टि पर अंडरलाइन करो, ठीक है, तब हमारे को अभिमान और अपमान का
अंश भी नहीं आएगा। ओम शांति।